मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पहला पार्ट है क्लास नाइन्थ का, विज्ञान और मापन, यानी कि साइंस एंड मेजरमेंट। साइंस एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे मेजरमेंट। चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि विज्ञान होता क्या है, फिर उसके बाद उसके मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो विज्ञान, विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान जो होता है, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान करते हैं। यानी कि कोई भी आप परीक्षण करते हैं किसी क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक उसका परीक्षण करते हैं किसी चीज का, कोई प्रयोग करते हैं और उससे जो हमें ज्ञान मिलता है उसको क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती है, एक होता है भौतिक विज्ञान और दूसरा होता है जीव विज्ञान। यानी कि अब इनके शाखाओं के बारे में जानेंगे और इस भौतिक विज्ञान के अंदर क्या क्या आएगा और जीव विज्ञान के अंदर क्या क्या आएगा उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहले देखते हैं भौतिक विज्ञान, यानी फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का संबंध जो होता है निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं से है, है ना। यानी कि भौतिक विज्ञान क्या है? कि भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों, जिसके अंदर निर्जीव पदार्थों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उनके संबद्ध घटनाओं से है। जैसे भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती है, पहला होता है भौतिकी और दूसरा होता है रसायन शास्त्र। तो इसमें देखिए दोनों में, भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में भी आप देखते हैं सब निर्जीव पदार्थ ही होते हैं ना, और रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में भी क्या देखते हैं? सब निर्जीव पदार्थ के ही बारे में कहते हैं। तो यहां से आपको पता चल गया कि भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती है, एक होता है भौतिकी और दूसरा होता है रसायन शास्त्र, ठीक है। उसी तरह से दूसरा आपका था जीव विज्ञान, है ना। यहाँ पे दूसरा क्या था आपका? जीव विज्ञान। चलिए, तो जीव विज्ञान क्या होता है? तो जीव विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों और उनसे संबंधित घटनाओं से है। यानी कि जीव विज्ञान का मतलब है कि जिसमें सजीव पदार्थों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जंतुओं के बारे में, इन सब के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं ना और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस कहा जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं उसी तरह से इसके भी प्रकार देखते हैं। तो जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं होती है, पहला होता है वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, और प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी, जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि विज्ञान क्या होता है। फिर विज्ञान की दो शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं और जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान जिसमें हम लोग निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम लोग भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस कहते हैं। और जीव विज्ञान क्या होता है? तो जीव विज्ञान जिसमें सजीव पदार्थों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी और प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी। तो बॉटनी है ना, बॉटनी में यानी वनस्पति विज्ञान में जिसमें हम लोग पेड़ पौधों के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं, और प्राणी विज्ञान में यानी जूलॉजी यानी कि जिसमें हम लोग जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मात्रक क्या होता है, ठीक है, यानी कि यूनिट क्या कहलाता है। मात्रक का मतलब होता है यूनिट। यूनिट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, इन्हीं मानक मापों को उस राशि की मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मात्रक कहने का मतलब कि यूनिट है ना, यूनिट क्या होता है कि कोई भी राशि, जैसे मान लीजिए कि ये एक रेखा खींच दी, आप कहे कि इस रेखा की लंबाई बताइए, आप कह रहे हैं रेखा की लंबाई 5 मीटर है, यही उसका मात्रक कहलाता है। हम लोग एक यहाँ पे हम लोग एक ये ले लिए आयत, अब आयत का क्षेत्रफल हम कह रहे हैं कि 6 मीटर स्क्वायर दिया है, यानी कि ये जो मीटर स्क्वायर है ये इसके लिए मात्रक कहलाएगा, समझ गए। तो आपको यहां से ये क्लियर हो गया मात्रक का अर्थ क्या है, कि कोई भी राशि का मेजरमेंट करने के लिए कुछ माप की जरूरत होगी। अब मान लीजिए आप ही का वजन है, आप कह रहे हैं कि हमारा वजन 50 kg है, या kg जो लग रहा है इसका ये मात्रक कहलाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो मात्रक का आपका यहाँ से पता चल गया कि किसी भी राशि को मापने के लिए जो हम लोग कोई माप की आवश्यकता होती है ना मेजरमेंट करने के लिए, तो आप केजी देख रहे हैं यहाँ माप है, मीटर यहाँ माप है, मीटर स्क्वायर यहाँ माप है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? मात्रक कहलाते हैं, है ना। जैसे बल की बात करें 10 न्यूटन बल, अब ये बल क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बल है, यहाँ न्यूटन लग रहा है और न्यूटन लग रहा है, यानी कि यह भी एक मात्रक है, समझिए। अब चलिए उसी तरह हम लोग अब बात करते हैं भौतिक राशियों के बारे में, भौतिक राशियां क्या होती है। तो भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं, यानी कि भौतिकी के नियम में आप देखते हैं कि भौतिकी में हम लोग लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, बल का,
ऊर्जा का भी कई इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियां कहलाएंगी। इनको क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए इसकी लंबाई, क्षेत्रफल, ये सब क्या है, भौतिक राशि है। द्रव्यमान है ना, 5 kg द्रव्यमान है, 10 kg द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान यानी कि ये सब जो भी है, लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है ना, बल है, ऊर्जा है, वेग है, त्वरण है, जो भी ये सब भौतिकी के पदों में प्रयुक्त होती हैं, ये सब क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। और भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, पहला होता है आधारी राशि यानी बेस या बेसिक क्वांटिटी, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी। तो चलिए एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं। पहला है आपका आधारी राशि, वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती हैं। आधारित राशि क्या होती है, स्वतंत्र मानी जाती हैं, ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि। वास्तव में आधारित राशियां 7 होती है, ये याद रखिएगा कि आधारित राशियां कितनी होती है, 7 आधारित राशियां होती हैं। चलिए ये 7 राशियां यहाँ से हम लोग जान लेते हैं। पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान यानी कि मास, तीसरा होता है समय यानी कि टाइम, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, 5वां होता है ताप है ना, टेम्परेचर, और ज्योति तीव्रता है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ का परिमाण यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 होते हैं, ठीक है। तो ये 7 कौन सी राशियां होती है, तो आधारी राशियां होती है। तो आपको यहाँ बता चुके हैं कि वास्तव में आधारी राशि कितनी होती है, 7 होती है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो स्वतंत्र राशियां होती हैं, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, वो क्या होती है, आधारी राशियां होती है, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं। जैसे लंबाई है, किसी चीज की लंबाई किस बात पे निर्भर करेगी, आप ही बताइए, किसी पे भी निर्भर। किसी चीज का द्रव्यमान 5 kg है, 10 kg है, वो किस पे निर्भर करेगा, किसी पे भी निर्भर नहीं करेगा वो, यानी कि वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वो खुद पे इंडिपेंडेंट है। तो ऐसी राशियां आधारी राशियां कहलाती है, ठीक है। और ये आधारी राशियों को के मात्रक जो होते हैं यानी कि इनके जो यूनिट होते हैं उसे आधारी मात्रक कहते हैं, ठीक है। आधारी राशियों के मात्रक यानी कि जैसे यहाँ एसआई मात्रक के कुछ नाम दिए गए, अब ये एसआई मात्रक क्या होता है अभी आगे आपको पढ़ाएंगे। तो ये जो मात्रक होते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, शॉर्ट में एम से डिनोट करते हैं संकेत में। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम यानी केजी लिखते हैं ना, 5 kg, 10 kg, 15 kg ऐसे। द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान के लिए 1 kg हो गया। अगला है आपका समय, तो समय के लिए एसआई मात्रक उसका सेकंड होता है, जिसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा के लिए एम्पियर होता है, जिसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ताप के लिए जो होता है आपका केल्विन होता है, जिसे कैपिटल के से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला होता है, जिसे सीडी से डिनोट करते हैं। पदार्थ के परिमाण के लिए मोल होता है, जिसे MOL से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपको ये जो जितने भी दिख रहे हैं, ये सब क्या है, इसके मात्रक कहलाएंगे यानी आधारी मात्रक कहलाएंगे। ये जितने भी यहाँ जो संकेत देख रहे हैं क्या है, आधारी मात्रक कहलाते हैं। अब अगला है व्युत्पन्न राशियां, वे हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। अब इसकी संख्या अनगिनत हो जाएगी, बहुत सारी हो जाएंगी, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां क्या है, वे राशियां हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। तो जैसे एक दो इसमें समझ लीजिएगा, आपको अभी बल समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि चैप्टर अभी पढ़े नहीं है। कार्य भी और ऊर्जा, ये सब बाद के टॉपिक्स है। पहले क्षेत्रफल देखिए, तो क्षेत्रफल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल हम कह रहे हैं कि कैसे ये निर्भर करता है आधारी राशि पे। तो मान लीजिए आपके पास एक आयत है, आयत की लंबाई है और चौड़ाई है ना, लंबाई और चौड़ाई, ये ना दो होगी, तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई भी एक तरह से क्या है, लंबाई यहां से एक तरह की आधारी राशि है, और चौड़ाई भी क्या होगा, उसका भी तो कुछ लंबाई होगा ना, जो चौड़ाई होगा उसका कुछ तो कुछ होगा ना, 5 मीटर, 10 मीटर कुछ होगा ना। तो ये दोनों देख रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई क्या है, एक तरह से है ना, किस चीज का लेंथ ही ना है, लंबाई ही ना है दोनों। तो ये दोनों के ऊपर निर्भर कर रहा है कौन सी, व्युत्पन्न राशि यानी कि क्षेत्रफल है ना, लंबाई पर निर्भर कर रहा है ना। तो लंबाई यहाँ पे, लंबाई पे निर्भर कर रहा है, तो एक ऐसी राशि हुई व्युत्पन्न। जैसे आयतन है, तो आयतन का आप लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये भी कैसी राशि है, तो व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि वो क्या किस पे निर्भर है, आधारी राशि के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए लंबाई बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, आयतन भी बढ़ेगा, समझ रहे की बात को। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि वैसी राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है ना, उसे आधारी राशि कहते हैं। तो यहाँ देख रही है कि उन्हीं के पदों में हम लोग व्यक्त कर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई है ना, ये सब क्या है, आधारी राशियां हैं, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए यहाँ व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब जैसे लंबाई का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, और चौड़ाई का भी मीटर, यानी कि इसका जो मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि
क्षेत्रफल का ऐसे ही मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे। उसी तरह यहाँ देखिए, लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई के लिए मीटर और ऊंचाई के लिए मीटर, यानी मीटर क्यूब। यहाँ पे आयतन का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, समझ रहे ना यहाँ से। तो ये उसके ऊपर निर्भर करती है, आधारी राशियों के ऊपर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये अभी आपको मात्रक निकालना सिखाएंगे, कुछ मात्रक आपको बताएंगे भी, ठीक है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं, आधारी मात्रक क्या होता है कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं, जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे अगर हम लंबाई की बात करें, द्रव्यमान की बात करें, तो लंबाई का मात्रक जो होता है, अभी आपको बताए थे लंबाई का मात्रक जो क्या होता है आपका, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ठीक है। द्रव्यमान का क्या होगा, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक, तो केजी। तो यहाँ से ये आपको निर्भर कर, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, इसलिए आधारी मात्रक कहेंगे। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है कि जिसे जिसे आधारी मात्रक की सहायता से व्यक्त किया जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक अभी आप देखे थे, क्षेत्रफल का मात्रक अभी आपको बताए थे कि जैसे मीटर स्क्वायर होगा, तो ये मीटर क्या है, लंबाई का मात्रक है, और लंबाई क्या है, तो आधारी राशि है। तो जो राशि है ना, यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि जिसे हम लोग किसके आधारी मात्रक के पदों में व्यक्त करते हैं, ठीक है। आयतन के लिए क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, समझ रहे ना। और भी है, इन सब के बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। जैसे अगर वेग की बात करें, तो वेग जो होता है वेलोसिटी को कहते हैं, और वेलोसिटी जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड में हम लोग व्यक्त करते हैं, और ये किसी एक निश्चित दिशा में रहता है, ये आगे आपको बताएंगे, ठीक है। त्वरण है, तो त्वरण जो होता है उसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल जो है, बल का होता है न्यूटन, है ना, या है ना, या फिर केजी, है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड। तो ये सब अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो बस आपको यहाँ से बस समझ लेना है क्या होता है। आगे हम लोग अगले चैप्टर में इन सब के बारे में जब पढ़ेंगे ना, वेग, त्वरण और बल, तो वहां से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर में बस आपको मात्रकों के बारे में समझना है कि कौन आधारी होते हैं, कौन व्युत्पन्न होते हैं, और ये कहाँ से आया है, इसके बारे में पढ़ना है। चलिए अब एक बात यहाँ से क्लियर कर लेते हैं कि विभिन्न पद्धतियों के मात्रक और उनके संबंध क्या होते हैं। तो किसी व्युत्पन्न राशि के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त करने के लिए हम निम्नलिखित की सहायता लेते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई व्युत्पन्न राशि है और उसका व्युत्पन्न मात्रक आपको निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या जरूरी होगा उसके बारे में देखते हैं। तो पहला बात आता है कि उस व्युत्पन्न मात्रक को परिभाषित करने वाले समीकरण प्राप्त होने चाहिए, और दूसरा उस समीकरण में शामिल होने वाले आधारी राशियों के आधारी मात्रक आपको पता होने चाहिए। जैसे हम लोग एक व्युत्पन्न राशि लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर आपको पहले क्या पता होना चाहिए, तो व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाले समीकरण, यानी क्षेत्रफल को परिभाषित करने वाला समीकरण क्या होगा, तो होगा लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये दोनों आपको पता चल गया, इसका लंबाई में चौड़ाई से जब गुना करते हैं, यानी ये दोनों क्या है, आधारित राशियां ही हैं, तो इन दोनों में जब गुना करते हैं तो क्षेत्रफल आता है। तो आपको पहले ही बता दिया कि दो चीजें पता होनी चाहिए, कि उस व्युत्पन्न राशि को परिभाषित करने वाले समीकरण, यानी ये आपका समीकरण हो गया, और उस समीकरण में शामिल आधारी राशियों के आधारी मात्रक, यानी कि इस समीकरण में जो शामिल हुए हैं, जैसे लंबाई और चौड़ाई जो शामिल हुए हैं, इसके क्या चाहिए आपको, तो क्या पता होना चाहिए, तो उनके मात्रक पता होने चाहिए। यानी कि अगर आपको क्षेत्रफल का मात्रक निकालना है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक निकालना है, ठीक है, एसआई मात्रक नहीं, तो लंबाई का मात्रक पता होना चाहिए, यानी कि मीटर, चौड़ाई का भी मात्रक पता होना चाहिए, यानी मीटर 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 स्क्वायर। उसी तरह दूसरा देखते हैं हम लोग बल का, ठीक है, तो बल बराबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अब ये सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया सर, तो ये अभी आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी इस चैप्टर में नहीं है। चलिए, तो यहाँ से आपको बल का मात्रक की बात करें, बल का एस आई मात्रक की बात करिएगा ना, तो बल का एस आई मात्रक क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान का क्या होता है, पहले तो आपको ये समीकरण प्राप्त हो गया जो आपके कंडीशन दिया है उसके अनुसार, और दूसरा इनके मात्रक भी पता होना चाहिए। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, है ना, और त्वरण का क्या मात्रक होता है, तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आ गया ना इसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और बल के बारे में जो परिभाषा दी थी न्यूटन ने दी थी, तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में न्यूटन से भी संकेत देते हैं, ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ये आपको पता होना चाहिए
समीकरण किसी समीकरण को ज्ञात करने के लिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मात्रकों की पद्धति यानी सिस्टम ऑफ यूनिट। सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, यानी कि जो सभी प्रकार के जितने भी हम लोग राशि जो होते हैं उनके पूरे समूह के लिए हम लोग जो मात्रक इस्तेमाल करते हैं उन्हीं मात्रकों की उसकी पद्धति कहते हैं। तो यहाँ से आपको परिभाषा क्लियर हो गया कि सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, जिसमें से तीन प्रचलित पद्धतियों के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहला है फूट पाउंड सेकेंड पद्धति, फूट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो इस पद्धति में संक्षेप में FPS, ठीक है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, लंबाई का मात्रक फुट समझ है ना, और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है, पाउंड होता है द्रव्यमान का मात्रक, और समय का मात्रक सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड, नाम से ही पता चल रहा है फुट पाउंड सेकंड FPS, ठीक है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है, ठीक। अगला है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इस पद्धति को नाम आपको पता ही चल गया, CGS कहेंगे, और इस पद्धति में क्या होता है कि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है ना, और समय का मात्रक सेकंड। चलिए यहां से पता चल गया। और इस पद्धति को संक्षेप में एक और नाम से जानते हैं, मीटरी पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। अगला है आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड यानी MKS सिस्टम। इस पद्धति को संक्षेप में क्या कहेंगे, MKS पद्धति कहेंगे, ठीक है। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो ये तीन पद्धतियां थी जो ज्यादा प्रचलित हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जान लेते हैं आपको कि SI मात्रक क्या कहलाता है, आपको बोले थे ना। तो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति देखिए क्या होती है। अक्टूबर 1960 में पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर संपन्न 11वीं तौल एवं माप महासम्मेलन में लंबी परिचर्चा के बाद मात्रकों की एक नई अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का आविर्भाव हुआ, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाएगा। और इस नई पद्धति को उसके फ्रांसीसी नामकरण सिस्टमे इंटरनेशनल डी यूनिट के कारण संक्षेप में SI मात्रक के नाम से जाना जाता है। और यह SI मात्रक का प्रयोग पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, जैसे अगर लंबाई का SI मात्रक मीटर प्रयोग हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में मीटर ही प्रयोग होगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास द्रव्यमान है तो उसका केजी हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में यही होगा, त्वरण है तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड में यही प्रयोग होगा, और यही SI मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब अगला हम लोग बात करते हैं दाब की यानी प्रेशर की। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं, ठीक है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। और दाब भी एक आपका व्युत्पन्न राशि होगा। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्र। जब क्षेत्रफल बल बटा क्षेत्रफल पता है फॉर्मूला, तो दाब का SI मात्रक आप बता सकते हैं। तो बल के लिए न्यूटन और क्षेत्रफल के लिए वर्ग मीटर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे या ऐसे लिख देंगे, न्यूटन मीटर के पावर -2, इसको भी वही पढ़ेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका जो किसने बताया था, इसे पास्कल ने बताया था, उस तो उनके आदर के लिए, उस साइंटिस्ट के आदर के लिए दाब को SI मात्रक हम लोग पास्कल भी यानी कि शॉर्ट में PA भी लिखते हैं, यानी कि एक पास्कल जो होता है 1 PA यानी कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, समझ गए यहाँ से। तो ये उनके आदर के लिए पास्कल हम लोग नाम यूज कर लेते हैं। तो आपको यहाँ से ये पता चल गया कि हम लोग साइंटिस्ट के नाम पे भी कुछ मात्रकों का प्रयोग करते हैं, और वो उनके आदर के लिए किया जाता है, और उससे आसानी हो जाती है, उससे सुविधा हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, आगे जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे ना, आगे जितने भी चैप्टर आएंगे तो उसमें अलग अलग मात्रक आते जाएंगे और वहां से आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। चलिए अब जैसे अगर हम लोग वायुमंडलीय दाब की बात करें, तो गैसीय दाब के माप का एक मात्रक जो होता है, एक और मात्रक जो होता है उसको एटमॉस्फियर कहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फियर कहते हैं यानी ATM कहते हैं, ATM संकेत में ATM कहा जाता है, समझ गए। तो गैस के दाब का एक और मात्रक होता है जिसे हम लोग एटमॉस्फियर मात्रक कहते हैं। जैसे वायुमंडल पे वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब की बात करें तो वायुमंडल पे वायु का दाब क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो इसको कहां से मेजर किया जाता है, तो समुद्र की सतह पर
वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर कहलाता है। जैसे कि आपको बताया है कि गैस का एक और दाब होता है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, तो उसी तरह समुद्र तल से जब आप देखिएगा वायुमंडल का जो दाब होता है उसे वायुमंडलीय दाब यानी है ना, यानी कि एक एटमॉस्फेयर कहा जाता है, वह वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर कहलाता है। ठीक है, इसे सामान्य दाब भी कहा जाता है। और एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1.013 × 10⁵ पास्कल, या फिर अगर हम लोग यहाँ पे लगभग में देखें तो ये हो जाएगा 1.01, दो अंक लिए हैं पॉइंट के बाद, × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। चलिए, तो यहाँ से आपको दाब के बारे में भी पता चल गया। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं ताप और ऊष्मा के मात्रक के बारे में। तो मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ताप या तापमान के मापन के लिए केल्विन मापक्रम का व्यवहार किया जाता है। जैसे आपको पहले ही बताया था कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, इस मापक्रम पर बर्फ के गलनांक का मान 273.15 तथा जल के क्वथनांक का मान 373.15 होता है। ठीक है, यानी कि बर्फ के गलनांक यानी कि पिघलने की जो उसका माप होता है 273.15 होता है, और उसका जल का जो क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 373.15 होता है। इसके बीच लंबाई को सेल्सियस मापक्रम जैसे जैसे ही 100 बराबर भागों में बांटते हैं प्रत्येक भाग को एक केल्विन कहा जाता है और इसे एक के लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ जैसे बर्फ की गलनांक की बात करें तो बर्फ कितने पे, बर्फ का गलनांक 0 °C होता है, यानी कि वो किसके बराबर होता है, तो 273.15 के, यानी कि यहाँ से ये 273 के आ गया। और जल की क्वथनांक की बात करें तो 100 °C होता है, तो 100 °C का मतलब क्या, 373.15 के, देख रहे हैं ना। ये आपको पता है कि जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 °C होता है, और यहाँ पे आपका कह रहा है 373.15, तो ये दोनों तो बराबर होंगे यानी कि 373 के लगभग। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, यानी आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 0 °C जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, यहाँ से यही क्लियर होता है। तो इसके आधार पे चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और दूसरा भी देख रहे हैं। जैसे 100 °C है तो इसमें देखिए ये 373 हो गया, यानी कि 273 ऐड हो गया 100 °C में, तो ये 373 बन गया, यही ना आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करें। केल्विन में दिया है, इसको सेल्सियस में बदलना है। तो आपको बता रखे हैं कि 0 °C जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है। यानी कि आप अगर पहला क्वेश्चन देखें तो आपको 300 दिया है केल्विन में, है ना, तो इसको सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करिएगा, तो 300 में से 273 घटा देंगे तो ये आपका डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 27 °C। देखिए बहुत सिंपल है। जैसे दूसरा है 573 केल्विन है, तो इसको क्या करेंगे, तो 573 में से घटा देंगे 273, तो 273 अगर घटाइएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ से 300 केल्विन ना, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। समझ गया। चलिए उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है उल्टा है, इसमें केल्विन में बदलना है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से हमें केल्विन में चेंज करना है, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए इसको चेंज करते हैं तो आपको बता रखे हैं कि 0 °C किसके बराबर होता है, 273 केल्विन के बराबर ना, तो यहाँ दिया है 25 °C, तो इसको क्या करेंगे, तो 25 में जोड़ देंगे ना आपकी बार 273। ठीक है, तो 273 जब जोड़िएगा तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 298 केल्विन जुड़ेगा, तो 298 केल्विन। चलिए एक और देख लेते हैं, इसका बी नंबर दिया है 373 °C, तो क्या करिएगा यहाँ पे, तो 373 में जोड़ दीजिएगा 273 ना, केल्विन में बदल जाएगा, यानी आ जाएगा 646 केल्विन। समझ गए। तो चलिए अब इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो हम लोग वीडियो को एंड कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें।